सेगमेंट बच्चों 3+ करना है। अब देखो ध्यान से समझो, इधर नहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई चक्कर नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज क्या दिक्कत हो जाएगी ज्यादा। अब इस 3 को हमें लिखना है इसके नीचे 20 40, ठीक है? तो कहां लिखेंगे? एक तो आप लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है सर, या फिर लिख सकते हैं यहां पर, दो प्लेस है, दो जगह, तो हम लिखना स्त्री को कहां लिखेंगे? एक जगह का ये दीवारी और एक है दीवारी, तो इसका नाम है इस जगह का ए और इस जगह का नाम है बी। तो जब 3 हमारा से लिखेंगे 3 को कहां लिखेंगे? इसी जगह पर लिखेंगे कि बी की जगह पर लिखेंगे? बताओ। बोलो जगह ना, बेटा जब भी देखेंगे उस पर वाला तो हमेशा पीछे से लिखना शुरू करना है। कहां से लिखना शुरू करना है? पीछे से। कहां से लिखना शुरू करना है? पीछे से लिखना शुरू करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर आएगा हमारा, ओके। अब देखो फोर के बाद थ्री प्लस, फोर तो आ गया दिमाग में, टू का थ्री पहले उंगली दर्द खड़ी करी और फोर के बाद काउंट करते हैं 5 6 7, क्या आंसर आया बता? बोलो। उसके बाद बी में आप कहीं बच्चों 52 प्लस 6, इसका आंसर निकालो सारे बच्चे बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। सर मेरा सर 58 आया। हेलो सर आपकी हेलो, अब आ रही है आवाज? अरे हमको आ रही है ना आवाज? अब आ रही है आवाज सर की? यस ओके, तो सर। देखो इसका आंसर, अब इसको भी अपन ऐसे लिखेंगे, जैसे 52 तो आ गया यहाँ पे हमारा, 5 to 52 plus। अब मुझे जरा मनन बताएगा, मनन हम 6 को किसके नीचे लिखेंगे? को कहाँ लिखेंगे? वेरी गुड, टू के नीचे यहां पर, ठीक है बच्चों। अब देखो 6 और 2 में बड़ा कौन है? बताओ बड़ा कौन है 6 और 2 में? सिक्स तो 6 आ जाएगा हमारे सिक्स दिमाग में आ जाएगा, और 2 करेंगे फिंगर खड़ी, तो 6 के बाद काउंट करो 7 8, सिक्स कितना आंसर आया हमारा? 8। और जो के नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा आंसर? क्या बन गया? 58। चलो सी वाला लिखो, सी वाला 29 plus 4, सब लोगों को बोलते हैं कि वेरी गुड वेरी गुड। ओरल ओरल टेस्ट है ना, ओरल टेस्ट में जब मैंने कहा बोला था तो ये 29 plus 4, इसको निकालो फटाफट। सर 31। अभी रुको ना यार, बाकी को तो करने दो, ठीक है? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा।
तो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 29 प्लस 4। अरे मैंने क्यों लिखा 4 पहले, इतने अभी तो लिखना ही नहीं है ना, अभी तो 4 लिखना ही नहीं था, मैं तो भूल गया इतनी जल्दी मैंने लिख दिया फट से। चलो भाई अथर्व, अथर्व बताओ 4 कहाँ आएगा, अथर्व किसके नीचे आएगा 4 अथर्व? नीचे। वेरी गुड अथर्व, बहुत बढ़िया। तो अथर्व अगर 9 प्लस 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा अथर्व 9 4 का? तो 13 का यहां पर क्या लिखेंगे हम, और 1 का क्या हो जाएगा? वेरी गुड अथर्व, जब हम 13 आएगा बच्चों, 9 प्लस 4 13 आएगा, तो यहां पर हम सिर्फ 1 3 लिखेंगे और 1 चला जाएगा कैरी ओवर या फिर कैरी फॉरवर्ड, और ये जो कैरी है ये इसके साथ में प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3, और आंसर क्या है बच्चों 33। अरे वाह, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं यार क्लास के अंदर, मजा आ गया, बस ऐसे ही किया करो। और ये कौन है ये बच्चा, ये 1 मिनट रुको, ए जिया तेरी कॉपी कहाँ है, दिखा जरा मुझे कहाँ किया ये वाला काम, दिखाओ मुझे ये वाला काम कहाँ किया तुमने, लास्ट वाला क्वेश्चन कहाँ किया जिया? हर बच्चा करेगा साथ साथ काम, ये किसी का छूटना नहीं चाहिए। काव्यांश, हाँ हो गया काम तुम्हारा, ओके। प्रतीक दास, हो गया काम बेटा, ओके। प्रतीक आज सर तुम्हारा, मेरा हो कहाँ गई लड़की ये, 1 मिनट रुको 1 मिनट रुको, आज बहुत सारे बच्चे नजर नहीं आ रहे, रुको क्या चक्कर पड़ रहा है ये, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको, 1 मिनट 1 मिनट बच्चों 1 मिनट, ओके। अब देखिए अब आए ना सारे के सारे, डांसर डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, हमने कर लिया सी तो कर लिया ना, डांसर तो क्वेश्चन नंबर डी लिखते क्वेश्चन जाओ नंबर फटाफट, डी क्वेश्चन नंबर डी, डाल 7 प्लस 6 निकालो इसका आंसर। टू सेवन प्लस करे 6, अब फिर यहाँ पे लिख, यहाँ लिख, ये क्या कर रहा है? अरे पियो को भी ये क्या कर रहा है? मिटा इनको नीचे, गौरव से माइक वो ऑफ करो तो अपना, कुछ फटाफट निकाल के रखो सारे बच्चे इनके आंसर्स, मैं थोड़ी देर में करा रहा हूं उनको, फिर देखते हैं। आज ये हमारा बिल्कुल जैसे क्लास टेस्ट होता है ना उसी तरीके का है ये, देखना अपने अपने आप चेक करना आपके कितने सही निकले, ठीक है? फटाफट निकालो इनके आंसर। क्या 33 बेटा? आ रहा है, 33 आ रहा है, डी अरे अद्वित, अरे आंसर नहीं बोलना है किसी को यार, वही तो बोल रहा हूं मैं, आंसर अभी मत बताओ, आप खाली अपना करो और रेडी होके बैठ जाओ, सर करवाएंगे अद्वित, तब हम चेक करेंगे है ना कि हमारा सही हुआ कि गलत हुआ, आंसर कोई नहीं बोलेगा। जी के बाद लिखो एच, 65 प्लस 7 आई, लिखना 29 प्लस 8 और जे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये आज का, 48 प्लस 6। चलो फटाफट इन सब क्वेश्चंस के आंसर निकाल के रखो जल्दी, और जिस जिसका हो जाए अंगूठा दिखा देना मेरे को कि आंसर मेरा हो गया है, जब सबका हो जाएगा तो हम चेक करेंगे फिर बैठ के। करो करना है, सिक्स प्लस फाइव फाइव थे लेक फाइव लगा लेना बराबर लगाएगा बाद में लिखना, तीन करो अब उसका ठीक है जो, हाँ यहाँ लिख दी कर यहाँ लिखी, हाँ 14 जाएगा 29 29 प्लस
प्लस तीन लगा प्लस हो गया बराबर। अभी जरा जब इसके बाद क्या है जी है ना 28 वाला हो गया। यार कौन सा करते हैं तुमने हो गया आंसर प्लस करोगे जी मैं सेवन प्लस करूंगा डन सर। बहुत सारे बच्चों का हो गया है मेरा हो गया। चलो अब हम लोग अपने अपने आंसर्स को अब मेरी बात सुनो पहले जैसे सर ने बताया था अब अपन लोग अपने अपने आंसर्स को चेक करेंगे। आपको क्या करना है कि जो आपका आंसर है उसको चेक करना है वो सही है कि सही नहीं है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है और अगर सही नहीं है तो हमने क्या मिस्टेक की है उसको हमें पता करना है। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे पास 27 + 6 पहला क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों 27 + 6 तो देखो इसका आंसर क्या आएगा। मैं इधर कर रहा हूं दिख रहा है बोर्ड का पार्ट आपको हाँ नजर आ रहा है। चलिए 27 + 6 तो 6 आएगा 7 के नीचे इस जगह पर। ठीक है ओके चलो मैं व्हाइट चौक से कर देता हूं ताकि और साफ साफ नजर आ जाए तुम लोगों को 27 + 6 तो देखो बच्चों 6 + 7 कितना होता है बड़ा नंबर है हमारे पास 7 तो 7 के बाद 6 और प्लस करते हैं तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 और 13 13 का आएगा 3 और 1 चला जाएगा कैरी और ये 2 + 1 क्या बन जाएगा थर्टी थ्री। किस किस बच्चे का आया था 33 अंगूठा दिखाओ जरा हम लोगों ऐसे अंगूठा दिखाना है अंगूठा वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब 32 + 5 नेक्स्ट वी हैव 32 + 5 5 + 2 बच्चों 5 बड़ा नंबर है दिमाग में चला गया 2 और प्लस करना है 5 के बाद तो 5 के बाद 2 और प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 और 7 7 तो आ जाएगा यहां पर और 3 के नीचे कुछ है क्या नहीं है तो 3 आ जाएगा यहां पर तो आंसर आया हमारा कितना किस किस का सही है ये 37 वाला। अरे वाह वो ऐसे होने चाहिए बच्चे एकदम समझदार बहुत बढ़िया वाले अच्छे वाले वेरी गुड। अब आ गया 28 + 5 नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 28 + 5 अगला क्वेश्चन ये था ना बच्चों 28 + 5 अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। एक मिनट मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ हाँ अब ठीक है
देखो 28 प्लस 5 बेटा आपको कॉपी करना है तो आप सर के साथ कीजिए, ओके। वेट नहीं करेंगे सर, सर को और भी बहुत सारी चीज बतानी है ना बेटा। 28 प्लस 5 में देखो 8 बड़ा है 5 छोटा है, 8 तो चला जाएगा हमारे दिमाग के अंदर और 5 के लिए हम लोग 5 फिंगर्स खड़ी करेंगे। तो 8 के बाद काउंट करेंगे 9 10 11 12 13, तो 13 का आ जाएगा यहां पर क्या आ जाएगा 3 और 1 चला जाएगा कैरी और 2 प्लस 1 हो गया हमारा 3। वापिस से आंसर क्या आया 33। किस किस का सही था ये 33, किस किस का सही था और गलत किस किस का था ये भी बताओ जरा। अर्पण गलत कर दिया था क्या 33? अर्पण 33 गलत हो गया था, तो फिर जब मैं पूछ रहा हूं सही है तो ऐसे अंगूठा दिखाना होता है ना, बिजी हो रही है। हाँ कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अब अपन इसको हटा सकते हैं यहां से, तो हमारे पास काफी सारा स्पेस हो जाएगा आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों 65 प्लस 7। 7 बड़ा नंबर है, दिमाग में चला जाएगा, ठीक है। 5 छोटा नंबर है तो 5 फिंगर्स हम खड़ी कर लेंगे। तो उसके बाद देखो 7 के बाद 5 काउंट करो, 7 के बाद 5 काउंट करते हैं अपन 8 9 10 11 12। 12 का आ जाएगा 2 और 1 चला जाएगा हमारा कैरी। तो जब ये कैरी आम बन के 6 पे गिरेगा, पक जाएगी ना कैरी यार, है कि नहीं, पकेगी कि नहीं पकेगी, पकेगी। तो जब ये कैरी आम पे गिरेगी यानी कि 6 पे गिरेगी तो कितना हो जाएगा ये 7 और आंसर क्या हो गया हमारा 72। किस किस का आया था 72? सही सही बताना एकदम ईमानदारी से। वाह क्या बात है, क्या बात है। मेरा तुम्हारा क्या है? ओके ओके अवनी दिखाओ मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 29 प्लस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29 प्लस 8। और ये तो बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है कुछ, 8 और 9 में बड़ा होता है बच्चों 9, ठीक है। और 9 में हमें करना है 8 प्लस, तो 8 फिंगर उठाओ पहले तो ऐसे अपनी। अब हम 9 के बाद काउंटिंग करेंगे, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 और 17। और 17 का क्या आएगा 7। 7 और 1 चला जाएगा कैरी, कैरी। और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3। और आंसर कितना आया 37। ओके किस किस का सही था, किस किस बच्चे का सही था 37? वेरी गुड। अरे ये तो डिंपल गलत हो गया, डिंपल क्या गलती की इसमें? सर मैंने, हाँ डिंपल बोलो। सर मैंने 8 9 का गलत कर दिया था। क्या आंसर आया था तुम्हारा जरा बताना मुझे, 8 और 9 का 38। अरे बाबा 38 कैसे होगा रे डिंपल, बताया तो सही 9 बड़ा नंबर है 8 छोटा नंबर है, 9 दिमाग में घुस जाएगा 8 फिंगर खड़ी कर लेंगे, काम खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 48 प्लस 6। 48 प्लस 6 अब देखो
एट प्लस सिक्स का आंसर क्या आएगा, सबसे पहले अपना काम है ये, तो एट बड़ा नंबर है, दिमाग में चला जाएगा, यही समझा रहे ना सर शुरू से, सिक्स छोटा नंबर है, खड़ा कर लेंगे उंगलियां, एट के बाद काउंटिंग करेंगे, तो एट के बाद क्या आएगा, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और फोर्टीन, तो फोर्टीन का आ जाएगा फोर, वन चला जाएगा कैरी, और फोर प्लस वन क्या होता है बच्चों, 54 आएगा भाई, 54 आएगा, 55 55 चिल्ला रहा है, कौन है ये, 54 54 ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस और दूं मैं, कर लोगे पक्का, डिंपल बना कर रही है ना डिंपल, नहीं देने, दो क्वेश्चंस और देंगे बस, सिर्फ दो क्वेश्चंस, ठीक है, उसके बाद अपन बंद करेंगे टॉपिक, ओके, चलो भाई बच्चों का मन नहीं कर रहा आज, तो आज सिर्फ अपन दो ही क्वेश्चंस और देंगे आपको, करो लास्ट के दो क्वेश्चंस है हमारा, जी तक एच तक हो गया था ना, जी एच आई और जी, ये दो क्वेश्चंस हैं आज के हमारे लास्ट, तो करो, क्वेश्चंस हैं 29 प्लस 18 और 46 प्लस 8, दो क्वेश्चंस हैं, फटाफट निकाल लो इनके आंसर्स, उसके बाद खत्म, ओके कर लिया, खतरनाक काम कर दिया तुमसे जल्दी यार, हो गया अभिनव, अरे क्या बात है यार, अच्छे अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे, अच्छी बात है ये, और पता है जो बच्चे धीरे धीरे करते हैं ना, सुनो जो धीरे धीरे करते हैं ना आराम से, वो और अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि दिमाग यूज करते हैं, कैलकुलेशंस यूज करते हैं, और तुम लोग फटाफट करके ना उल्टा सीधा करके बैठ जाते हो सारे के सारे, तो चेक तो कर लिया करो, हो गया चिल्लाते रहते हो, एक बार चेक करो ना उसको जो किया है कि सही हो कि नहीं हुआ, एक बार दोबारा चेक करो उसको, क्या फर्क पड़ जाएगा, दोबारा से चेक करके देखो फटाफट, बस हो गया सर, ट्रेन पकड़नी है क्या, यही रहना ना क्लास में, फिर चलो स्टार्ट करते हैं, चेक करना किस किस बच्चे के हो गए दोनों, पहले अंगूठा दिखाओ जरा मेरे को जिसका हो गया है, आगे फिर अपन आगे चलेंगे नहीं चलें, गौरव सेन और काव्यांश, ये भाई कहां भाग गया क्लास छोड़ के, काव्यांश अभी आवाज जा रही होगी ना घर में, उठ के भागेगा पता नहीं कहां बैठा हुआ है, काव्यांश और जोर से चिल्लाना पड़ेगा लग रहा है मेरे को, ओ भाई आजा, पता नहीं कहां गया, चलो छोड़ो सर मेरा हो गया, आ जाएगा अभी, आ जाएगा वो भी, अभी इधर उधर बैठा होगा आ जाएगा, चलो स्टार्ट करते हैं, 29 प्लस, पहला क्वेश्चन है हमारा 29 प्लस 18, ठीक है चलो उसको स्टार्ट करते हैं, पहले अपन तो इसको अपन बाद में करेंगे 46 प्लस 8 को, पहले करते हैं 29 प्लस 18 को, तो देखो बच्चों 29 प्लस 18 ऊपर है 9 नीचे है 8, डिंपल ऊपर 9 है नीचे 8 है, यही मिस्टेक की थी ना तूने, हाँ मुझे याद है, तो ऊपर वाला नंबर 9 तो चला जाएगा दिमाग में, और 8 फिंगर हम खड़ी कर लेंगे, तो 9 के बाद हम काउंटिंग करेंगे, 9 के बाद देखो 10
11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17. तो 17 का आ जाएगा हमारे पास 7. और 1 कहां चला जाएगा बच्चों? कैरी. अब ये जो कैरी बन गया है इसको हम भी बना देते हैं, चलो प्लस कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या आंसर आएगा. तो देखो 2+1 होता है 3, ठीक है बच्चों, 2+1 होता है 3 और एक और है नीचे, तो ये मिलके हो जाएगा 4. तो आंसर कितना है हमारा, किस किस बच्चे का आया था 47? बताओ किस किस का आया था 47? 54. अभी रुक जाओ यार, जिन बच्चों का नहीं हुआ था वो कॉपी कर लो फटाफट. अच्छा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया था सर ने अथर्व, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था हमारा? 46+8 कितना? 46+8 यार, एक तो ना सारे के सारे बोलते हो, सुनाई कुछ नहीं देता है ना. अथर्व बोलो, 46+8 अथर्व बोलो, 46+8 ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46+8. अब देखो इधर बड़ा नंबर कौन है दोनों में से? कहां जाएगा? तो सिक्स फिंगर खड़ी करो और एट के बाद काउंट करो, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 का आ गया 4, 1 चला गया कैरी और ये हो जाएगा 4+1, 5 और आंसर क्या है बच्चों हमारा? 54. सब बच्चे फटाफट इसको कॉपी करो, फिर मिटाने वाले हैं. डन सर. डन, वेरी गुड. अब ये सब हटा देते हैं सारा का सारा, है ना. अब तुम लोग एक काम करो, अपनी कॉपी रख दो कहीं साइड में, नोटबुक रख दो कहीं साइड में, ठीक है, रख दी. अब सर आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने वाले हैं ड्राइंग बनाने का, है ना, ध्यान से देखना बस. फ्लावर्स बनाना पसंद है तुम लोगों को? फ्लावर्स ड्रॉ करते हो? फ्लावर्स यस. प्रतीक अपना माइक बेटा ऑफ रखा कर, है ना. हाँ वो प्रतीक का माइक ऑफ था ना, उसकी वजह से गड़बड़ हो गई. आपको सिर्फ समझना है, बनाना बाद में, ठीक है, अभी बनाना नहीं है सर के साथ में, ओके. और अगर कोई बच्चा बनाना चाहता है साथ में, तो अपने जो क्रियोन्स कलर होते हैं ना, वैक्स वाले, वैक्स कलर और क्रियोन्स कलर्स होते हैं ना, वो लेके बैठ जाओ अगर बनाना है, है ना. और अगर बाद में बनाना है तो बाद में बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. और एक पेपर भी होना चाहिए ना साथ में यार, पहले समझ लो कैसे बनाना है, ध्यान से देखते जाओ. चलेंगे यार, मेरी बात तो सुनो पहले, पहले समझो तो लो बनाना क्या अपने को. तुम लोग ना बिल्कुल रुको एक मिनट, एक मिनट. एक मिनट एक मिनट एक तो ना तुम